व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8th पार्ट यानी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन हर्फ जार, ए वर्ड दैट इज यूज टू शो रिलेशन of a noun or a pronoun to same other word is called preposition। preposition यानी हर्फे जार, ए वर्ड दैट इज यूज टू शो रिलेशन ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू सेम अदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ए वर्ड ऐसा लफ्ज दैट इज यूज टू शो रिलेशन जो ताल्लुक जाहिर करता है ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन किसी इसम का या इसमें जमीर का टू सेम अदर वर्ड किसी दूसरे लफ्ज के साथ इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, उसे हम हर्फे जार या प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे लफ्ज के साथ ताल्लुक जाहिर करे उसे हम प्रीपोजिशन या हर्फे जार कहते हैं। वो हर्फे जार कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑन under above in वगैरह वगैरह। अब मैं आपको इसके जुमले बनाना सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल the book is on the टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसके अंदर देखें द बुक जो है यानी इसका तर्जुमा इस तरह हुआ कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अब द बुक जो है ये एक नाउन है और टेबल जो है ये भी एक नाउन है। अब एक जुमले में दो नाउन हैं जिनके ताल्लुक को जो वर्ड जाहिर कर रहा है वो ऑन है। क्यों कि ये द बुक यानी किताब की पोजीशन को बता रहा है कि किताब जो है वो एक टेबल पर है, एक मेज पर है। तो इन दोनों जुमले के अंदर जो ताल्लुक को जाहिर कर रहा है वो ऑन है और ऑन इस जुमले में एक प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से the
कैट इज अंडर द चेयर. द कैट इज अंडर द चेयर, यानी बिल्ली जो है वो कुर्सी के नीचे है. अब द कैट जो है ये एक नाउन है और चेयर भी एक नाउन है, यानी दो नाउन के दरमियान जो ताल्लुक जाहिर कर रहा है वो लफ्ज अंडर है, जिसको हम जो कि एक प्रीपोजिशन है. यानी ये बिल्ली की पोजीशन बता रहा है कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है. यानी अब बिल्ली की पोजीशन बता रहा है कि बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे है और इस दोनों के दरमियान में जो अंडर आया है वो एक प्रीपोजिशन है. दी पेन इज अबव दी बुक. दी पेन इज अबव दी बुक, कलम किताब के ऊपर है. अब देखें पेन जो है ये नाउन है और बुक जो है ये नाउन है. इन दो नाउन के दरमियान में जो ताल्लुक को जाहिर कर रहा है वो लफ्ज है अबव, यानी किताब पेन की पोजीशन बता रहा है कि पेन जो है वो किताब के ऊपर है और इसके अंदर जो पोजीशन जाहिर कर रहा है अबव ये एक प्री पोजीशन है. खालिद लीव इन लाहौर, खालिद लाहौर में रहता है. अब देखें खालिद जो है ये एक नाउन है और लाहौर भी एक नाउन है. अब खालिद और लाहौर के दरमियान में जो ताल्लुक पैदा कर रहा है वो लफ्ज इन है, जो कि एक प्रीपोजिशन है. यानी खालिद की पोजीशन बता रहा है खालिद लाहौर में है और इस जुमले में इन जो है वो एक प्रीपोजिशन है. तो अजीज स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा. और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. दुआओं में याद. अल्लाह हाफिज़.